हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कुछ इस तरह की फेसबुक मैसेंजर पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कुडंट सेंड द मैसेज, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे पहले से ही एक दो वीडियो और हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, पर कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई है क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने मिस कर दिए थे, बताना भूल गया था, इस वजह से उन लोगों की जो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। तो उन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, इस टॉपिक में सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% फिक्स हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आती है या आप ज़्यादा मैसेज भेज देते हैं इस वजह से आती है। तो इसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है और आपको उस सिम को सेलेक्ट करना है जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। सिम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो सिम है वो आपकी इनेबल होनी चाहिए और सिम नेम है और यहाँ पे आपका सिम का नाम डाला होना चाहिए, इस पर क्लिक करना है, सिम का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको डेटा रोमिंग जो है आपको इसे ऑफ करके रखना है, अगर आप रोमिंग वाली एरिया में तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको वोल्टी जो है इसे आपको ऑन कर देना है और यहाँ पे परफेक्ट नेटवर्क टाइप है आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 5G सेलेक्ट कर देना है, अगर आपका फ़ोन 4G है तो आपको 4G सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट कर देना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, ऑपरेटर पे आपको क्लिक करना है, जो ऑपरेटर नीचे दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, इसे आपको ऑटो सेलेक्टेड कर देना है। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही रहता है, पर अगर आपका ये नहीं है, आपने ये बंद कर दिया था, तो आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना है, आपको नीचे जाना है, अगर आपने कोई नेटवर्क सेटिंग रीसेट मतलब कोई मिस कर दिया, सही से नहीं किए, तो यहाँ पे ना मैं एक और सेटिंग बता रहा हूँ उसको कर देना है आपको, उसके बाद आपकी जो नेटवर्क सेटिंग वो रीसेट हो जाएगी। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, नीचे आपको जाना है, नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है और आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको वेरीफाई कर देना है और यहाँ से आपको रीसेट कर देना है। तो यहाँ से कर देना है, पर मैं अभी नहीं करूँगा, मेरी सेटिंग्स अभी सही ठीक हैं, तो आपको कर देना रीसेट नेटवर्क सेटिंग। और उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मैसेंजर ऐप है आपको इस पर क्लिक करके रखना है और ऐप इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, इसका आपको क्लियर डेटा क्लियर कैश कर देना है और यहाँ से आपको परमिशंस पे जाना है और सभी परमिशंस को जो है अलाउ कर देना है। सभी परमिशंस को जो है अलाउ कर देना है। परमिशंस अलाउ करने के बाद अब आपको बैक आना है और आपको जाना है प्ले स्टोर पे। जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना मैसेंजर, मैसेज सर्च करने के बाद आपको मैसेजर ऐप को अपडेट कर लेना है। तो मेरा पहले से अपडेट है, अगर आपका अपडेट हो के लिए होगा तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अपडेट पे क्लिक कर देना, आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको इसे पावर ऑफ ना करके आपको इसे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ना अभी ये आपको लाइव रीस्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने रीस्टार्ट किया तो ये जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो है वो कट जाएगी, तो इसलिए आपको ये खुद कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने यहाँ पे मैसेंजर ऐप में और आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब भी आप क्लियर कैश करते हैं तो आपकी जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाती है, तो इसलिए आपको इसे फिर से लॉगिन करना होगा आपको। तो मैंने ना लॉगिन कर लिया है इसमें, तो आपको भी कर लेना, काफ़ी सिंपल है, आपको पता होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका आपको स्क्रीनशॉट एक ले लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको फिर से वहीं जाना है और आपको क्या करना है,
यहाँ आपको ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे आपको रिपोर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंक्लूड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज से रिलेटेड कब से आ रही है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ना मैंने ये पहले से ही लिख के रखा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पहले से ही एक स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा, तो आपको इसे हटा देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, कैमरा रोल पे क्लिक करना है और आपको इस प्रॉब्लम का जो स्क्रीनशॉट है वो ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको चैट सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड कर देंगे तो आपका जो फीडबैक है वो चला जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है 24 और या 48 आवर बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।